Here we discuss about prehistoric rock painting and art of Indus Valley, 2500 BC to 1500 BC. So here we are having one other question related to it. Explain the rock painting, a roaring animal of Bhimbetka. रोरिंग एनिमल से भीमबेटका में एक पेंटिंग बनी है, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। अ रोरिंग एनिमल इन दिस पेंटिंग अ बीस्ट बिजन इन रेड साइज एंड अ ग्रुप ऑफ पीपल इन स्मॉल साइज हैज बीन सोन इन हंटिंग दैट बिजन। मोस्टली जितने ट्राइबल वर्क थे उसमें हंटिंग सीन उन्होंने अपने म्यूरल वर्क में शो किए थे। इन दिस प्रोसेस सम इंजर्ड पीपल हैव ऑल्सो बीन डिपिक्टेड लाइन स्कैटर्ड ऑन द ग्राउंड एंड अ फ्यू पीपल वॉचिंग देम हेल्पलेसली। उसका जब वो फाइट कर रहे हैं, शिकार कर रहे हैं बिजन का, तो उसमें कुछ हेल्पलेसली कुछ जो भी एक्टिविटीज़ उस दौरान हुई है उसी को उन्होंने आर्ट वर्क में दिखाया हुआ है। पेंटिंग इन रेड सोइंग मेन बीन हंटेड बीस्ट बाई बिजन। इसमें एक मैन दिखाया गया है, वो हंटेड बाई बीस से दिखाया हुआ, और ये भीमबेटका में बनी हुई है। तो द नेम ऑफ पेंटिंग इज रोरिंग एनिमल, आर्टिस्ट अननोन, प्लेस भीमबेटका केव नियर भोपाल मध्य प्रदेश इंडिया, एंड मीडियम मिनरल कलर्स, जो भी लाइम और जो मिनरल कलर्स वो बनाते थे अपनी पेंटिंग के लिए वही सिंपली उन्होंने यूज किए हुए हैं इसमें। हेयर वी आर हैविंग द एग्जाम्पल ऑफ दिस पेंटिंग, द पेंटिंग इज इन रेड कलर्स और मिनरल कलर्स दे यूज फॉर इट। तो उसमें बिजन का एक शेप दिया हुआ है, बाकी द रेस्ट जो पीपल्स हैं दे आर सोइंग वो आसपास दिखाए गए हैं, और इसका हंटिंग सीन है इस पेंटिंग में, द रोरिंग एनिमल। हेयर वी आर हैविंग द अनदर क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कंपोजिशनल एस्पेक्ट ऑफ द रॉक पेंटिंग विजार्ड डांस ऑफ भीमबेटका। ये भी भीमबेटका में पेंटिंग बनी हुई है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। सो इन दिस पेंटिंग एन एनिमल इज शोन इन द एगोनी ऑफ डेथ एंड द पीपल हैव बीन डिपिक्टेड डांसिंग विद होल्डिंग हैंड्स ऑफ ईच अदर एंड अ पर्सन हैज़ बीन शोन प्लेइंग अ बिग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। एगोनी ऑफ डेथ द वर्ड इज एगोनी ऑफ डेथ मीन्स जैसे तड़प तड़प के मरना, डेथ सीन। इसमें वो हंटिंग, ये भी हंटिंग सीन से रिलेटेड आर्ट हो गया। तो इन दिस पेंटिंग एन एनिमल इज शोन इन द एगोनी ऑफ डेथ एंड द पीपल हैव बीन डिपिक्टेड डांसिंग। जो लोग हैं डांस कर रहे हैं विथ होल्डिंग हैंड्स, होल्डिंग हैंड्स करके डांस कर रहे हैं। सिंपली मैंने स्केच में यहाँ पर शो किया हुआ, होल्डिंग हैंड एंड विथ ईच अदर एंड अ पर्सन हैज़ बीन शोन प्लेइंग अ बिग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। एक बड़ा सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एक पर्सन वहाँ पर प्ले कर रहा है। एंड सम पीपल हैव बीन सोन इन सिटिंग पोजिशन, कुछ बैठे हुए लोग हैं, टू वॉच देम, दे ऑल आर वॉचिंग दिस ऑल दिस इंसिडेंस। इट इज़ द इनिशियल पेंटिंग विच शो द सेलिब्रेशन विथ फुल रिदम एंड मूवमेंट। वो हंटिंग के बाद जब हंट करके आते थे वो अपने सेलिब्रेट जो भी मोमेंट्स थे डेली लाइफ थी उसको उन्होंने इस अपने आर्ट वर्क में शो किया हुआ है। ओके, तो दिस प्री हिस्टोरिक पेंटिंग हेल्प अस टू अंडरस्टैंड अबाउट अर्ली ह्यूमन बींग्स, देयर लाइफ स्टाइल, देयर फूड हैबिट्स, देयर डेली लाइफ एक्टिविटीज एंड अबोव ऑल टू अंडरस्टैंड देयर स्टेट ऑफ माइंड। तो जो भी उन्होंने उनकी डेली लाइफ थी, जो इंस रहते थे डेली, उनकी हैबिट रहती थी, लाइफ स्टाइल वो कैसे जी रहे हैं, क्या वो फूड खाते थे, हैबिट्स क्या थी उनकी, तो और जो भी एक्टिविटीज़ होती थी उसको उन्होंने अपने आर्ट वर्क में इसमें शो किया है। तो इट इज़ ईजी टू अस टू अंडरस्टैंड देयर स्टेट ऑफ माइंड, वो कैसे उनकी मानसिक स्थिति थी, उसको समझने में ये जो आर्ट वर्क है ये हमारी मदद करता है। सो दिस इज अवर विजार्डस डांस पेंटिंग एंड दिस पेंटिंग एन एनिमल इज शोन इन एगोनी ऑफ डेथ एंड द पीपल्स हैव बीन डिपिक्टेड डांसिंग विथ होल्डिंग हैंड्स विद ईच अदर एंड पर्सन हैज बीन सोइंग प्लेइंग अ बिग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पर बजा रहा है, और दे ऑल आर डांसिंग विद होल्डिंग देयर हैंड्स। दैट्स वाई वी आर एबल टू अंडरस्टैंड देयर लाइफ स्टाइल, देयर फूड्स हैबिट्स, देयर डेली लाइफ बाय देयर दीज एक्टिविटी। ओके, तो दीज प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स आर हेल्प अस टू अंडरस्टैंड देयर
लाइफ। सो दिस इज द कंपोजिशनल एस्पेक्ट ऑफ रॉक पेंटिंग विजार्ड डांस ऑफ भीमबेटका।